नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जो कि ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टॉक्स है हमारे पास, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देखेंगे चार्ट पर। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। जब दोस्तों निफ्टी की बात आती है तो यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से देख रहे हैं कि 560 यानी 11,560 वाले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में ये निफ्टी आ गया है। और आज एक चीज अगर आप लोगों ने गौर की हो, बार बार ये 11,535 यानी 520-530 वाले लेवल से आज बार बार ये उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जब निफ्टी यहां से यानी गैप अप ओपन करता भी है इन केस, तो फिर वो 550 से लेकर के 560 और 65 वाली रेंज में इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा निफ्टी पे। और अगर ये 565-570 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करे, कल कंटिन्यू सस्टेन करता है 570 के ऊपर, तो फिर आप इस पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस 530 लेकर के उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, जो एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग यहां पर, वो ऑलमोस्ट 11,560 से 70 वाली रेंज रहेगी। और अभी आज के दिन में अगर आप देखोगे तो दो मेन हमें रेजिस्टेंस मिले, एक मिला 11,530 के आसपास का और दूसरा 11,565-570 वाला, राइट। तो इन दोनों रेजिस्टेंस पे दोस्तों निफ्टी को मेन वॉच करना। और हो सकता है कि कल यानी 14 सितंबर का आप जो रेजिस्टेंस देख रहे हो 560-570 की रेंज वाला, यहां तक निफ्टी आपको जाता दिखे और फिर वहीं से पलटी मार दे नीचे की तरफ। तो इस चीज पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर ऐसा होता है 560 तक निफ्टी गया, वहां से पलटी मार के अगर वो 30 यानी 530 के लेवल को ब्रेक कर दे, 520 के नीचे अगर गिरने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर वहां पर सेलिंग ट्रिगर हो सकती है और वो 470 से लेकर के 440-430 के लेवल तक आ सकती है। तो इस चीज पर निफ्टी पे कल थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा एक रेंज बाउंड हो सकता है निफ्टी, और जो रेंज बाउंड होना चाहिए वो ऑलमोस्ट आई मीन 60 to 80 पॉइंट्स के बीच में इसको रेंज में रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे। बाकी निफ्टी में उतनी पॉजिटिविटी मुझे नहीं लग रही है, और बट स्टिल आई कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। लेट्स मार्केट ओपन, वेट करेंगे 9:30 तक, उसके बाद में ही डिसाइड करेंगे। बस हमें अपने लेवल मेंटेन रखने हैं। सो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 570 का, 11,570, इसके ऊपर लगातार सस्टेन करें, 15-20 मिनट्स रुके निफ्टी अगर, तो फिर आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हो 600 और 640-680 तक के लेवल्स के लिए भी। यानी मेन जो हमारा रेंज रहेगा 640 तक का, उसके आगे एक होप बनी रहेगी। अब दोस्तों निफ्टी के कंपैरिजन में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये आज परफॉर्म किया ठीक ठाक। ठीक ठाक इन द सेंस एक्सपेक्टेड था, जैसा कि गिरा, गिरने के बाद में जो रिकवरी आई वो रिकवरी थोड़ी सुकून देने वाली थी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा खासा बैंक निफ्टी गिरा हुआ था, बाद में यहाँ से इसने रिकवरी मारी। और आज का लो जो है बैंक निफ्टी का कितना है, दैट इज 22,065, राइट। और जो क्लोजिंग आई है वो 22,512 के आसपास पे क्लोजिंग दिखा रहा है, करेक्ट। और दोस्तों यहां से इसने जो हाई लगाया वो कितना था, 22,512 का हाई भी रहा इसका। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की यहां पर दिखा रहा है कि इसने रिकवरी दी है, और ये रिकवरी अपने सपोर्ट से दी है। हालांकि अगर अभी इसमें हम लोग थोड़ा और इसको मैं जूम करता हूं, जी हाँ, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक रेजिस्टेंस जरूर है थोड़ा, और इसको अगर क्रॉस कर लेता तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और वो जो रेजिस्टेंस रहेगा ऑलमोस्ट 22,730 के लेवल का रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर 22,730 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है, तो फिर वहां से हमें ऑलमोस्ट 200 to 300 पॉइंट्स की और मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यानी 23,000 तक के लेवल के लिए सेट हो जाएगा बैंक निफ्टी। बट एक रेजिस्टेंस रहेगा 22,700 के आसपास में, तो उसको आप लोग थोड़ा गौर करके चलिएगा। हालांकि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने आज एचडीएफसी, कोटक बैंक, इन सबको सेलेक्ट किया है, तो अगर इनमें
अगर ये परफॉर्म करते हैं देन डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस कल दे सकता है, तो नजर बना के रखिएगा। बाकी देखिए इसको जो लेवल्स है इंट्राडे के लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे मैं आपको लिए अपडेट कर दूंगा। अब चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो बैंकिंग में जब बात करेंगे एचडीएफसी जो आज का हाई लगा हुआ है इसको आप लोगों को अगर यहां से देखोगे एचडीएफसी ने कोशिश की, और हालांकि 11 से लेकर के 15 सितंबर का अगर आप चार्ट देखते हो तो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास में ये रुक रुक गया, दैट इज 1075 के बीच में, 1070 से लेकर के 1075 के आसपास में इसको प्रेशर देखने को मिला है। अब इसके अगर ये कंटिन्यू करता है 1180, अभी क्लोजिंग देखिए जो एचडीएफसी बैंक की है वो 1070 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन अगर ये 1080 के ऊपर लगातार सस्टेन करे, जी हाँ 1080 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है जो कि ये लेवल होगा, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ, दिस रेंज, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है स्ट्रांग दिखता है देन डेफिनेटली यू कैन टेक इंट्राडे चांस हियर एंड यू कैन गो विद 1085 टू 1090 लेवल्स। और पोजिशनली भी जिसको ऐड करना है वो लोग जो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट 1070, और उसके बाद में आप इसको लॉन्ग कर सकते हो 1090 से लेकर के 1100 के लेवल्स के लिए एचडीएफसी बैंक को। बट वेट करना 9:30 तक, देखते हैं मार्केट कहाँ क्या ओपनिंग आती, गैप अप ओपन होता है तो कितना सस्टेन करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में इस पे पोजिशनल अगर आपको ट्रेड लेना है तो वेट कीजिए 9:30 तक, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। बाकी सपोर्ट की बात करें नो डाउट 1040 जो है वो पोजिशनल इसका सपोर्ट है, और उसके पहले 1060 का भी है, और उसके ऊपर आप चलते हो देन 1065 और 60 के बीच का रेंज जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट रेंज बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, सॉरी एचडीएफसी बैंक के लिए। बट रेजिस्टेंस की बात करें तो जब तक 1080 के ऊपर ये ना जाए तब तक इस पे एंट्री लेना सही नहीं होगा, और उसके बाद में 1085 के आसपास में भी आपको एक थोड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा, लेकिन वो अगर ये 1080 को क्रॉस करके सस्टेन करता है देन डेफिनेटली ये 85 को भी क्रॉस करके 90 की तरफ बहुत इजीली जाएगा एचडीएफसी बैंक। देन नेक्स्ट बैंक है कोटक बैंक। दोस्तों अब यहां पर जब बुलिशनेस की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा बुलिश मुझे कोटक बैंक लग रहा है, तो अगर इंट्राडे लेना है तो मेरे हिसाब से तो मुझे एचडीएफसी बैंक की जगह कोटक बैंक में जाना चाहिए। और जैसे ये 1330, जी हाँ 1330 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगेगा, जस्ट 3 पॉइंट क्लोजिंग जो इसकी यहाँ पर हम देख रहे हैं 1327 की है, 1327 की क्लोजिंग है, और अगर ये 1330 के ऊपर कंटिन्यू करता है देन डेफिनेटली 1338 यानी 1338 एंड आफ्टर दैट 1345 तक के लेवल आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं कोटक बैंक में। बाकी पोजिशनली जिसको एंट्री लेनी है ले लीजिए, थोड़े स्टॉक ऐड कीजिए, लाइट क्वांटिटी रखिए और इसको होल्ड कर सकते हो आप 1380 के लेवल के लिए कोटक बैंक को, तो इस पे नजर रखिए, ये कल के लिए बहुत सही स्टॉक है। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फीबीम का, 71 से लेकर के आज अब आप देख रहे हो इन्फीबीम 83.5 की क्लोजिंग दे रहा है, राइट। और एक चीज और थी दोस्तों, आप लोग ट्विटर या टेलीग्राम पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नारजे फाइनेंस चैनल का नेम है, जहां पर आपको कई सारे स्टॉक्स मैं सजेस्ट करता रहता हूँ। इसके साथ में ट्विटर पे भी आप चार्ट वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा। देन अगर आप लोगों को व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड होना है तो फिर आप एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, मेरा रेफरल लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के रेफरल लिंक पर क्लिक करोगे और वहां से अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड हो सकते हो। बट कंडीशन यही है दोस्तों कि अकाउंट तभी ओपन करना जब आप उस पर ट्रेड करो, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है देन प्लीज डोंट ओपन। अब चलिए बात करते हैं इन्फीबीम की, तो इसको नजर में रखिए, एक ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा, और ये जो ब्रेकआउट है ये इसको दोस्तों 90 से लेकर के 100 के लेवल तक ले जाएगा, और बने रहिए इस स्टॉक में। जो लोग भी 70 के लेवल के आसपास से बने हुए थे इस पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और अभी ये 90 प्लस जाएगा तो इस पे थोड़ी नजर बना के रखिए, जब भी डिप आता है स्टॉक को आप खरीद सकते हो। बाकी लेट्स वेट फॉर 90 एंड 100, पोजिशनल स्टॉक है, रखे रहो इसको। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे सन फार्मा। सन फार्मा ने एक अपना देखिए जो एक लो इसका बन रहा था ऑलमोस्ट 490 के आसपास से, 493 जो एक सपोर्ट था वहां से इसने रिकवरी ली,
और आज के दिन में इसने जो हाई लगाया हुआ है वो दैट इज 512। तो अभी भी दोस्तों सन फार्मा अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है 590, और उसके बाद में नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहेगा ऑलमोस्ट 470, सॉरी ये 490 और 473 से लेकर के 470 की रेंज, राइट। तो अभी ये 506 पे क्लोजिंग हुआ है, थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा है फार्मा सेक्टर में आज, तो फिर वेट करते हैं कल। और अगर ये 510 के ऊपर, जी हाँ 506 इसका अभी क्लोजिंग प्राइस है, 510 के ऊपर, 510 के ऊपर लगातार सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको आप ले जा सकते हो 515 और 520 के लेवल के लिए इंट्राडे में सनफार्मा को। बाकी जिनको पोजिशनली जिन्होंने ऐड कर रखा है होल्ड, आई मीन 490 या 500 के नीचे ऐड किया है, वो लोग बने रहे स्टॉक में। फिर से आपको 530 तक इसका वेट करेंगे जाने का, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आगे ट्रेल करके और कंटिन्यू करना है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो फिलहाल रिवर्सल देखने को मिला, देखना यह है कि कल कंटिन्यू होता है या नहीं होता है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल का, यूपीएल पे नजर रखिए। जैसे कोटक बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, वैसे ही मैं बता रहा हूं दोस्तों यूपीएल भी इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ी नजर बना के रखिए। और अगर ये स्टॉक आज का जो हाई लगा हुआ है दैट इज 532, तो 532 के ऊपर अगर आपको 10 से 15 मिनट दिखता है स्टॉक तो उस पे आप बन सकते हो। 530 यानी जो आज की क्लोजिंग है वही आप अपना स्टॉप लॉस रखो, 2 पॉइंट का रिस्क लो और उसके बाद में आप इस पे इंट्राडे बना सकते हो 540 तक के लेवल के लिए। तो देखते हैं, बाकी जिनको पोजिशनल लेना है वो लोग वेट करें। अगर कल ये 535 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ यूपीएल क्लोजेज अबव 535 देन यू कैन गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक, यू कैन ऐड सम क्वांटिटी फॉर पोजिशनल ट्रेड, और इसको आप फिर 550 तक के लेवल के लिए होल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे तो 575 तक के लिए भी इसको लेकर के जाएंगे यूपीएल के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो जो भी सारे वीडियो के इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं या फिर रेफरल लिंक है, सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। थैंक यू।